गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइडर तेरा डिफॉल्ट। दोस्तों आज मैं अपनी बाइक का छोटा मोटा काम करवाने के लिए नए चौक में आया हूं। आप देख सकते हैं कि मैकेनिक ब्रेक वायर को चेंज कर रहे हैं और मैंने ब्रेक शूज़ भी चेंज करवा दिए जो कि मुझे लगभग 400 रुपये के पड़े। जो पुराने ब्रेक शूज थे वो ठीक ठाक थे, पर जो पुरानी ब्रेक वायर थी उसकी वजह से ब्रेक वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्या पता ब्रेक शूज़ थोड़े ख़राब हो गए होंगे या फिर ख़त्म हो गए होंगे, घिस गए होंगे पूरे, तो इसलिए मैंने ब्रेक शूज़ चेंज करवा लिए। पर जो पुराने ब्रेक शूज़ थे वो ठीक ठाक कंडीशन में थे और जो वायर मैंने चेंज करवाई उसकी कॉस्ट लगभग 150 रुपये आई और ब्रेक शूज़ लगभग 400 रुपये के। इसके बाद मैंने इंजन ऑयल चेंज करवाया। जो इंजन ऑयल चेंज करवाया वो है मॉडल का 3100, जो कि ठीक ठाक है, पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि वो मेरी बाइक के लिए बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं अपनी बाइक में डलवाने वाला था 300 मॉडल का 300 और मॉडल 3100, पर वो शॉप पर ना मिलने की वजह से मुझे ही डालना पड़ा जो कि 470 रुपये का पड़ा। और मैं इसे ज़्यादा टाइम तक अपनी बाइक में रहने नहीं दूंगा। मैं लगभग वैसे इंजन ऑयल जो होता है वो लगभग 8000 किलोमीटर के बाद चेंज होता है, पर मैं इस इंजन ऑयल को लगभग 5 या 6 हज़ार किलोमीटर के बाद चेंज कर दूंगा। बस आज की वीडियो में ये था, और ये मेरे पुराने ब्रेक शूज़ जो कि अभी फ़िलहाल चल सकते थे, पर इतने सही कंडीशन में नहीं थे, पर ऐसा था कि थोड़ा बहुत चल सकते थे। और ये इंजन ऑयल चेंज करते हुए इंजन ऑयल जो पुराने वाला बहुत ही ख़राब कंडीशन में एकदम काला पड़ गया था। मैंने इंजन ऑयल चेंज करवाया तो बाइक एकदम स्मूथ चलने लगी थी। पहले बिल्कुल फुट रेस्ट पर थोड़े वाइब्रेशन, हैंडल बार पर थोड़ी वाइब्रेशन आ रही थी, पर जैसे ही मैंने इंजन ऑयल चेंज करवाया तो एकदम गाड़ी मक्खन की तरह चलने लगी, बिल्कुल स्मूथ चलने लगी। ये हमारे मैकेनिक साहब इंजन ऑयल निकालते हुए। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इंजन ऑयल चेंज करवाऊँगा तो मैं घर में ही निकालूँगा। मैंने फर्स्ट टाइम, मेरी ये आपको बता दूँ कि मेरी ये फर्स्ट बाइक थी, मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है बाइक के बारे में कि कैसे इंजन ऑयल चेंज करवाना है, कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, पर नेक्स्ट टाइम मैं घर में ही सब कुछ करूँगा। जितनी भी प्रॉब्लम होगी छोटी मोटी बाइक की वो घर में ही सॉल्व कर दूँगा, जैसे कि इंजन ऑयल चेंज मैं घर में ही कर लूँगा। बस दोस्तों ये था आज की वीडियो। छोटी छोटी चीज़ें मैंने करवा ली, अब जैसे मैंने इंजन ऑयल चेंज करवाया तो बाइक बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही है, मक्खन की तरह। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और भी कमेंट सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, पर प्लीज़ कमेंट जरूर करें। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।